100টা কোম্পানি 100টা দেশে আছে, সেটা কিন্তু উনি সমাজের উন্নয়ন করেছে, ফোর্ড কোম্পানিতেও তাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, লক্ষ্মী থেকে লাকমি অনেক অনেক বড় অবদান সমাজের জন্য। স্বাগতম সবাইকে মিচুর রিঅ্যাকশনে। আজকে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে আনহেয়ার্ড স্টোরিজ অফ টাটা, টাটা কেস স্টাডি, হাউ টাটা শেপড ইন্ডিয়া, আবি অ্যান্ড নিউ। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবসময় টাইটেলগুলো একটু বড় বড় থাকে, হয়তো বা খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে এরকমই করে। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি নিয়েছি এটা সম্পর্কে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে টাটা সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দিবে এখানে। তো আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল আবি অ্যান্ড নিউ থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই ভিডিওটি দেখে আসি। सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा, ये सवाल किसी को भी पूछेंगे तो आंसर यही होगा, टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में टाटा ने कैसी मदद की? क्या आपको पता है कि भारत के एटॉमिक रिसर्च को टाटा ने सपोर्ट किया? और ओवरऑल भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने में कैसे हाथ बढ़ाया? टाटा के ऐसे ही कई सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कई भारतीय लोग नहीं जानते। आज हम आपको टाटा के बारे में 10 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी टाटा के लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमें बताइए कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है टाटा के बारे में जो हमने मिस कर दिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, 8 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 700 मिलियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। बट डिड यू नो इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए और एक सपने के साथ हुई थी। सपना काफी सिंपल था, क्यों हम हमेशा मैनचेस्टर के कपड़े खरीदे जबकि हम खुद मैनचेस्टर को कपड़े बेच सकते हैं। इसी आइडिया के साथ जमशेद जी टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स एस्टैब्लिश की। लेकिन जमशेद जी देसी दिखने वाले अंग्रेज नहीं थे, उनका मोटिव सिर्फ खुद का विकास नहीं सबका विकास था। इसीलिए खुद के पैसों से उन्होंने जो औरतें मिल में काम करती थी उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए, चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट करवाए। जमशेद जी टाटा, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हु टॉट अस द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज एथिकली डूइंग बिजनेस। डिड यू नो भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का हाथ, बट हाउ? तो दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और यहाँ के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया, 4 साल बाद पेरिस के ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया, लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये पॉसिबल ना होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का सपना ना देखा होता। आज जब कोई ओलंपियन भारत के लिए मेडल लाता है वी फील प्राउड, और इस सपने को हकीकत में बदलने में टाटा का कॉन्ट्रीब्यूशन। दोराबजी टाटा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कोहिनूर डायमंड से 2 गुना बड़ा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील कर्जे में थी और ये डेट रीपे करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। तब उनकी वाइफ ने बिना किसी हेजिटेशन के उनकी पूरी ज्वेलरी के साथ साथ इस डायमंड को भी गिरवी रख दिया। देयर लव स्टोरी इज सो अमेजिंग दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ कैंसर से चल बसी, लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ को याद रखने के लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी लोगों की सेवा करता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो आज भी 70% पेशेंट्स की कैंसर ट्रीटमेंट फ्री में करता है। डिड यू नो भारत के पहले लाइसेंस पायलट और कोई नहीं JRD टाटा था। 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हुई और इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं JRD टाटा। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और 2 सालों में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। 1950s में जब एविएशन नेशनलाइज कर दिया गया तब एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज बन गया, लेकिन फिर भी JRD खुद हमारे एविएशन मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखते थे और गाइड करते थे। सो बेसिकली टाटास गिव इंडिया विंग्स टू फ्लाई। 1947 में भारत को आजादी तो मिली लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पर निर्भर थी, यानी इंपोर्ट्स पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट्स ना के बराबर थे, प्लस महंगे कॉस्मेटिक्स की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक आम आदमी के बजट के बाहर थे। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा को अप्रोच किया और एक होम ग्रोन कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की।
तब लक्ष्मी इस नाम से इंस्पायर होकर लैक्मी के सारे प्रोडक्ट्स फेयर स्किन के लिए बनते थे. लैक्मी वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स. और नाउ आई वांट टू टेल यू अ पर्सनल स्टोरी. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में सोचो तो 1990s का ऑफिस याद आता है. करप्शन, अर्ली लंच ब्रेक, लॉट ऑफ डिलेज एंड व्हाट नॉट. लेकिन जब से TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रोसेसिंग को हैंडल करना शुरू किया है, तब से अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट इज रियली एन इजी टास्क. ऑन एन एवरेज पासपोर्ट निकलवाना जो 60 दिन लेता था, अब 6 दिन लेता है, थैंक्स टू द कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड. मैंने 2016 में अपना पासपोर्ट रिन्यू किया और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके लिटरली 2 दिन बाद पासपोर्ट मेरे हाथ में था. और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ, ये काम TCS ने किया और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया. इट इज प्रूफ ऑफ हाउ कंबाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर विद एसेंशियल सर्विसेज कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द कॉमन पीपल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE दुनिया की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ हर सेकंड 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं. वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है. भारत के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉमन क्या है पता? TCS ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो इतने बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है. TCS भारत की नंबर 1 IT सर्विस कंपनी, साथ ही साथ इस साल UK की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और IT सर्विस कंपनी भी बन चुकी है. और टाटा कंपनी की आदत सी है UK में कारनामे करने. साल 2000 में जैसे ही सेंचुरी बदली, सिचुएशन भी बदली. फरवरी के महीने में BBC ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन हर इंडियन की शान है, टेटली बैक्ड बाय इंडिया स्टार्टअप. जब टाटा ने टेटली को अक्वायर किया तब वो किसी भी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी का किया हुआ सबसे बड़ा एक्विजिशन था. उस समय टाटा टी सिर्फ $100 मिलियन की कंपनी थी जिसने खुद से 3 गुना बड़ी टेटली को खरीदा था और भारत की दूसरी कंपनीज के लिए एग्जांपल सेट किया. ये अनाउंस कर दिया था दैट इंडिया हैज अराइव्ड. रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो आपने सुनी होगी. गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो? एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी, तब रतन टाटा US पहुंचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी. फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा, हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई भी मत करो. रतन टाटा नाराज थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया क्योंकि अग्रेशन दिखाने का वो सही समय नहीं था. उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कम्प्लीटली पलट गई. इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा वहां पहुंचा. जगुआर और लैंड रोवर, ये दो लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनी टाटा ने एक्वायर कर ली. जिन कॉलोनाइजर्स ने भारत को 200 साल के लिए रूल किया उनकी ही कंपनी अब एक इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही थी. जमशेदजी टाटा का मानना था, समाज किसी बिजनेस का सिर्फ एक भागीदार नहीं, बिजनेस समाज का एक हिस्सा होता. समाज को बेहतर बनाना ही एक बिजनेस को दिशा देता, सही और गलत में अंतर समझाता. इसीलिए आज भी रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से 60% वो डोनेट करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और ओवरऑल हमारे देश के वेलबीइंग में इन्वेस्ट करते हैं. पिछले 150 सालों से टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहा है लेकिन नेशन बिल्डिंग में भी हाथ बढ़ा रहा है. And this reflects in the respect people have for this brand as well. कहते हैं भारत में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया हो. और ये सच है. फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को चार्ज करने वाली चाय तक, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मिलिट्री तक, टाटा के अलग अलग एरियाज में कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए. क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिली लेकिन क्या आजादी एक स्विच है जो फ्लिप किया और चीजें बदल गई? नहीं, आजादी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन. टाटास ने अपनी स्ट्रेंथ को भारत की स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया में खुद के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया. और हमारे देश के इस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा. तो हमारा तो असले आगे जेनेछि जे टाटा হচ্ছে 100টা কোম্পানি 100টা দেশে আছে. এবং জমশেদ টাটা উনি হচ্ছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে হচ্ছে এই টাটা কোম্পানি লঞ্চ করে এবং মাত্র 31,000 রুপি কিংবা তখনকার যে ধরনের কারেন্সি ছিল সেটা দিয়ে স্টার্ট করে. কেননা উনি চিন্তা করেছিলেন যে আমি ফ্যাক্টরি তৈরি করব, আমি ব্রিটিশদের কাছ থেকে কেন ড্রেস কিনব, আমি ওদেরকে যদি সাপ্লাই দিই তাহলে আমার ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে. সেই থেকে টাটার শুরু. মাঝখানে অনেক উত্থান পতন হয়েছে. আমার কাছে মনে হয় যে উনি কিন্তু আসলে দেশকে সেবা করার জন্য, সমাজকে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজটা শুরু করেছিলেন. আর যেহেতু উনি কাজটা শুরু করেছিলেন সেখানে কিন্তু যে মহিলারা কাজ করতেন তাদেরকে দিয়েই কিন্তু উনি কাজ শুরু করেছিলেন, যে অনেক মহিলা ওয়ার্কারও ছিল ওনার ওখানে. তো আস্তে আস্তে কিন্তু উনি সমাজের উন্নয়ন করেছে এবং এখনও পর্যন্ত ওনাদের 60% যে ইনকাম সেটা কিন্তু জনসেবামূলক কাজে যায়, হ্যাঁ, হেলথ এডুকেশন এইসব সেক্টরে যায়. আর তাছাড়া তাদের অল
অলিম্পিকে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ওনাদের অবদান, টাটার অবদান, তারপর হচ্ছে টাটা স্পন্সর ছিল শুরুর দিকে, তারপর এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইউকের টেটলি টি সেটাও কিন্তু তারা নিয়ে নিয়েছে, তো অনেক কিছুই নিয়েছে। বা ফোর্ডের ব্যাপারটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে ফোর্ড কোম্পানি তখন কিন্তু ওনাদেরকে উপহাস করেছে, হেল্প করতে চায়নি, বাট এখন কিন্তু ফোর্ড কোম্পানিতেও তাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে সব দিক থেকেই ওনারা কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যে কোথায় কোথায় প্রবলেম ছিল এবং সেটা থেকে উত্তরণের পথও ওনারা বের করেছেন, এবং সমাজকে ওনারা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যাতে সমাজকে ওনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওনারা নিজেদের পরিচয়টাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন, এবং বিশ্বের সাথে তুলে ধরার সাথে সাথে ইন্ডিয়ার যে ফেস ভ্যালু সেটাও কিন্তু বেড়ে গেছে সেখান থেকে। অবশ্যই। আর তাছাড়া হচ্ছে যে পাসপোর্টের বিষয়টা, হ্যাঁ, সেটা যখন আগে অনেক সময় লাগতো, যখন টাটা এটার সঙ্গে ইনভলভ হয় তখন কিন্তু পাসপোর্টের যে প্রসেসটা সেটা অনেক কমে আসে, এখন 6 দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পায়, এই ধরনের ইস্যু। তাছাড়া হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় আইটি কোম্পানি যেটা TCS, আমরা আগেও এটার নাম শুনেছি, TCS টাটা সফটওয়্যার কোম্পানি, এই টাটা সফটওয়্যার কোম্পানি হচ্ছে লার্জ স্কেলে কাজ করে এবং এটা ইন্ডিয়ার ইকোনমিতে স্টক এক্সচেঞ্জের জন্য যে ধরনের হেল্প করা দরকার সেটা কিন্তু ওয়াইড স্কেলে করছে, যে কারণে হচ্ছে এই কোম্পানিটা কিন্তু শুধুমাত্র যে ইন্ডিয়াতে তা না, বিশ্বের অন্য অন্য দেশেও কিন্তু TCS সমানভাবে কাজ করছে। আমরা যতদূর আগে একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম, USAতেও কিন্তু TCS খুব একটা পপুলার পজিশনে আছে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস জেনে আমি অবাক হয়েছি যে কসমেটিক্স এর ব্যাপারে, যেটা ল্যাকমি বলে আমরা, কিন্তু লক্ষ্মী থেকেই ল্যাকমি। কসমেটিক্স এর বিষয়টা শুরু করেছিলেন হচ্ছে JRD টাটা, গভর্নমেন্ট বাহির থেকে ইনপুট করছিল কসমেটিক্স, তো গভর্নমেন্টের কে বাহিরে টাকা পেমেন্ট করতে হতো, তখন গভর্নমেন্ট আলোচনা করলো টাটার সঙ্গে যে আসলে আমরা কীভাবে কসমেটিক্স উৎপাদন করতে পারি। সে থেকেই কিন্তু তুমি যেটা বললে এবং আমরা ভিডিওতে যেটা শুনলাম, লক্ষ্মী কসমেটিক্স থেকে হচ্ছে ল্যাকমি হয়েছে। না, তারপর আমরা কিন্তু ল্যাকমির প্রোডাক্ট অনেক ইউজ করি অনেক, তো সেক্ষেত্রে কখনো জানিই না যে আসলে পিছনের স্টোরিটা কি বা কিভাবে এটা হলো, আর এটা যে টাটারই একটা প্রোডাক্ট তাও কিন্তু জানতাম না। সো এখান থেকে আমরা অনেক নতুন তথ্য জানলাম। তারপর আরেকটা জিনিস ওনাদের আছে যে টাটা ক্যান্সার হসপিটাল যেটা, সেটা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ লোকের সেবা দিচ্ছে, সেখানে 70% ফ্রি ট্রিটমেন্টও পাচ্ছে সাধারণ জনগণ, তো যারা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী, যারা ক্যান্সার আক্রান্ত। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা তাদের একটা অনেক অনেক বড় অবদান সমাজের জন্য। অবশ্যই। এবং বিমান সংস্থার ক্ষেত্রেও প্রাইভেট বিমানগুলো যে চলে ইন্ডিয়ার আকাশে, এটা শুরুও কিন্তু আসলে JRD টাটা উনি করেছিলেন। তো এখন তো আসলে সবাই অ্যাভেলেবেল বিমানে চলাচল করে, তো তখন তো আসলে এরকম অ্যাভেলেবেল ছিল না, তো তখন আসলে সে বিমানের সূচনাটা করেছিল যেটা পরবর্তীতে এয়ার ইন্ডিয়া হয় এবং গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ করে। তো ওভারঅল ভিডিওটি আসলে আমরা নতুন করে আবার জেনেছি টাটা সম্বন্ধে, আগেও জেনেছি টাটা সম্বন্ধে, সেটা অন্য পরিসরে ছিল, আর এই ভিডিওতে আমরা অন্যভাবে জেনেছি, কেননা এই ভিডিওতে 10টা বিষয়কে টার্গেট করে সামনে ফোকাস করা হয়েছে। তো ওভারঅল ভিডিওটা আমাদের ভালো লেগেছে, আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তো আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।